वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अलका स्पेशल किचन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लेके आई हूँ बहुत ही स्वादिष्ट लाजवाब रोटी से बना चूरमा की रेसिपी। तो फ्रेंड्स आइए बना लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहले हम लेंगे गेहूं का आटा। आटा आप अपने आवश्यकता अनुसार ले सकते हो। अब इसके अंदर मैं डालूँगी मोइन के लिए घी। तो मैं यहाँ 3 से 4 चम्मच घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसको हम आटे को अच्छे से मथेंगे। घी को हमें आटे में अच्छे से मिक्स कर लेना है जिससे चूरमा बहुत ही टेस्टी और पीसने में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो ये देखिए आटे में मोइन अच्छे से पड़ चुका है। अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक सख्त डो तैयार करेंगे। जैसे हम पूड़ियों का आटा लगाते हैं एकदम टाइट, उसी तरह हम लगाएंगे। ये देखिए हमने आटा लगा के तैयार कर लिया है। तो ये देखिए हमें मसल मसल के इसका आटा एकदम रेडी करना है। इस तरह हमें अच्छे से लोच देना है आटे के अंदर। तो ये देखिए आप देख सकते हो हमारा आटा इतना टाइट होना चाहिए। तो अब चलिए इसकी हम लोइयां तोड़ लेते हैं। लोइयां हम नहीं तो ज़्यादा पतली लेंगे, नहीं ज़्यादा मोटी लेंगे। तो इसी तरह हम सारे आटे की लोइयां बना लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने सारी लोइयों को बना के तैयार कर लिया है। तो अब चलिए इसको हम बेल लेते हैं। तो सबसे पहले हम गैस के ऊपर तवा रखेंगे गर्म होने के लिए। तो तवा हमारा गर्म हो रहा है तो हम चलिए इसको हम बेल लेते हैं। तो आप देख सकते हो हमारी रोटी वो बनके तैयार है। तो चलिए तवा हमारा गरम हो चुका है। तो अब इसको हम सेक लेते हैं। तो फ्रेंड्स रोटी हमारी एक तरफ सिक चुकी है तो इसको हम पलट देते हैं। अब आप चाकू या फिर चिमटे की सहायता से इस तरह हम इसके अंदर घोल करेंगे जिससे रोटी फूलेगी नहीं। चूरमे की रोटी फूलनी नहीं चाहिए क्योंकि फूलने के बाद वो अंदर से कच्ची होती है और फिर खाने का टेस्ट बहुत अच्छा नहीं आएगा। तो ये देखिए आप देख सकते हो इस तरह से हमें घोल करना है इसके अंदर। तो फ्रेंड्स हमारी दूसरी तरफ भी रोटी सिक चुकी है। तो चलिए अब गैस के ऊपर इसको हम सेक लेते हैं अच्छे से। इस तरह हमें अलट पलट खड़ी करके इस रोटी को अच्छे से सेकना जिससे रोटी अंदर से कच्ची ना रहे, नहीं फिर चूरमे का टेस्ट अब थोड़ा सा कच्चा कच्चा आएगा, फिर खाने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आप देख सकते हो हमारी रोटी एकदम करारी सिक चुकी है। ये देखिए अच्छे से आपको मैं दिखा देती हूँ। इसी तरह हम सारी रोटियों को बनाएंगे। तो चलिए इसको हम तोड़ लेते हैं जिससे ये अच्छे से ठंडा हो जाए।
ठंडी होने के बाद इसको हम ग्राइंडर जार में पीसेंगे। तो सभी रोटियों को इसी तरह हम बनाएंगे, इसी तरह हम तोड़ के रख देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी रोटियों को बना के इस तरह तोड़ लिया है। और यहाँ मैंने एक जार लिया है, थोड़ी थोड़ी रोटियाँ इसके अंदर डालेंगे और पीस लेते हैं। और ऊपर से डालेंगे इलायची, मैंने यहाँ 10 से 15 इलायची पीसने के लिए डाल दी है। तो ये देखिए हमारा चूरमा है वो पीस के तैयार है। तो इसको हम एक थाली में निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह हम सारी रोटियों को पीसेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ सारी रोटियों को पीस लिया है। तो हमारा चूरमा के लिए रोटियाँ एकदम तैयार है। तो इसके ऊपर हम डालेंगे स्वाद अनुसार पिसी हुई चीनी, आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो। और यहाँ घी लिया मैंने बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अच्छे से चीनी और घी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो फ्रेंड्स, इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने यहाँ ड्राई फ्रूट्स काट के रख लिए थे, जैसे काजू, बादाम, अखरोट, पिस्ता। तो फ्रेंड्स, इसके ऊपर हम डाल देते हैं ड्राई फ्रूट्स। आप अपने पसंद से और भी डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ घी और ड्राई फ्रूट्स का अच्छे से इस्तेमाल किया है। तो फ्रेंड्स, मेरे द्वारा बनाई गई रोटी का चूरमे की रेसिपी आपको कैसी लगी? तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपियों के साथ। आज के लिए यहीं पे हम ब्लॉक करते हैं। ओके बाय, थैंक यू की वॉचिंग।